नमस्ते, आज मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। तो पहले मैं अपनी सामग्री बता देती हूँ। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है और इसे कद्दूकस से घिस लिया है बारीकी से। ये देखिए इस तरह से। 4 मैंने उबली हुई आलू ली हूँ, इसे भी छील करके अच्छे से मैश कर ली हूँ। 1 50 ग्राम मैंने मैदा लिया है, इसके जगह पे आप कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हल्दी, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च काटा है, आधा मैंने नींबू लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 प्लेट ले ली हूँ और सारा पनीर को मैं उस प्लेट में गिरा दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक और मिर्च, आधा चम्मच मुझे मिर्च डालना है, 1/4 चम्मच नमक डालना है, नमक थोड़ा ही थोड़ा मुझे सब में ही डालना है, आधा नींबू निचोड़ लूँगी अच्छे से। निचोड़ करके इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। पूरा नमक और नींबू अच्छे से सब में मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स कर लिया मैंने, अब इसे मैं साइड करूँगी। अब मैं ले ली हूँ मैश किया हुआ आलू, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक, बहुत छोटा स्मॉल चम्मच है हमारा, स्वाद अनुसार ही समझिए। 1 चम्मच वही जीरा और चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हल्दी और मैदा को डाल करके मैं इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा ही पहले मैं मैदा डालूँगी, जब ज़रूरत होगी तो और ले सकती हूँ, नहीं तो नहीं जमेगा तो नहीं डालूँगी। इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती पूरा ही मैंने ले लिया है। अब इसे मैं हाथ में तेल लगाऊँगी और लगा करके अब मैं हाथ से इसे मिक्स करूँगी। आटे की तरह यह अच्छी तरह से मुलायम और सब मिक्स हो जाना चाहिए। तो मिक्स कर लिया है मैंने। 2 चम्मच हमारा मैदा बच गया था 50 ग्राम में, मिक्स कर लिया मैंने। अब हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते आप इसमें पनीर डाल के ही बहुत लोग मैश करते हैं, लेकिन मैं कुछ नए तरीके से स्टफिंग के साथ बना रही हूँ। इसके खाने का स्वाद बहुत ही अलग होता है। इस तरह से छोटे छोटे गोले नींबू की तरह ले लीजिए और उसे कचौरी की तरह इसमें पनीर डाल करके इसे मिक्स पैक करूँगी। बहुत ही आसानी से स्टफिंग इसकी हो जाती है। इस तरह से देखिए, ऐसे ही मैं सारे कोफ्ते को मैं बना लूँगी। ये देखिए गोले गोले, जैसे छोटी कचौरियाँ बनाई जाती है उसी तरह से हम सारे स्टफिंग को बनाएंगे। थोड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए आसानी से भरने का। इस तरह से सारे कोफ्ते को मैं ऐसे ही भरूंगी। तेल हाथ में लगाते रहना है बराबर, ताकि ये हमारा आलू का मिश्रण जो है वो हाथ में चिपके नहीं, क्योंकि थोड़ा चिपकता है। नींबू के जैसे ही मुझे लोइयाँ लेनी है। इस तरह से गदेली में पहले हाथ में तेल लगा के गोले कर लेना है। इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते को मैं अपने में बना लूँगी। सारे कोफ्ते को मैंने बना लिया है। अब गैस चला करके मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर तलते समय मीडियम गैस कर देना है। और इसी तरह से सारे कोफ्ते में एक एक करके डाल के 5-5 6-6 कोफ्ते मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैंने 5 से 6 कोफ्ते डाले हैं और ये देखिए 2 से 3 मिनट में हमारा कोफ्ता तैयार हो जाता है। इस तरह से गोल्डन तरह का मुझे कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते को मैं तल लूँगी। कुछ इस तरह से तल लिया है मैंने सारे कोफ्ते को। अब मैं बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी की सामग्री बता देती हूँ। मैंने 2 बड़े प्याज मोटे टुकड़े में काट लिया है, 4/5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर मैंने मोटे में काटा है, 10-12 काजू, काली मिरी, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी फोड़ने के लिए मैं, और 4-5 चम्मच मलाई मैंने फेंट लिया है, 2 चम्मच कसूरी मिर्च,
हल्दी, गरम मसाला, एक चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, बनाने के लिए तेल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर से मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं डालूँगी एक चम्मच तेल। तेल डाल करके मैं सारे मसाले को भून लूँगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक को डालूँगी और काजू, काली मिरी, ये सब सूखे मसाले को मैं थोड़ा भून लूँगी। और इलायची, दालचीनी मुझे अभी नहीं डालना है। जैसे ही थोड़ा भून के हो जाएगा तुरंत ही मैं डालूँगी इसमें टोमेटो। गैस हमारा फास्ट ही है, इसे चलाते ही रहना है। जैसे ही लहसुन का खुशबू आने लगता है मैं डालूँगी इसमें टमाटर। टमाटर डाल करके इसे भी चला लूँगी और इसी के साथ में मैं डालूँगी प्याज। थोड़ा सा मैं चला करके, इसे ज़्यादा भूनना नहीं रहता, ज़रा सा चला करके मैं इसमें डालूँगी पानी। एक कटोरी में, एक कप मैंने पानी डाला है, फुल कप, चाहे इसे एक ग्लास कहिए या एक कप, 250 ग्राम के इतना पानी, एक चौथाई रहना चाहिए 1 लीटर में। इसे डाल करके मैं ढक दूँगी 5 मिनट तक पकने के लिए। जैसे ही उबाल आने लगेगा 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है। मीडियम आँच पे मुझे चलाना है। ये देखिए पक गया हमारा। अब मैं गैस को करूँगी बंद और ग्रेवी को ठंडा कर लूँगी इसको। फिर मैं इसे मिक्सर में पीसूँगी। तो मसाला ठंडा हो गया है। अब मैं मिक्सर के भांडे में डाल करके इसे मैं पीस ली हूँ बारीकी से। ये देखिए पीस लिया है। फिर से मैं चलती हूँ गैस के पास और अब मैं डालूँगी 2 चम्मच उसी पैन में तेल। तेल जैसे ही 2 चम्मच मुझे तेल डालना है। ज़्यादा मुझे तेल गर्म नहीं करना है, नहीं तो जीरा हमारा जल जाता है। जीरा जलने के बाद स्वाद नहीं आता। तो मैं तेल डालने के तुरंत बाद ही डालूँगी जीरा और दालचीनी। जैसे ही हमारा तैयार हो जाए मिश्रण, उसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। मैंने आपको सामग्री में भूल गई थी बताना, और तेल में कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। सब मसाले मुझे तेल में ही डालना है। तेल में मसाला भूनने से कलर एकदम और स्वाद उभर के आता है। तो इसे मैं डाल दी हूँ और अब मैं इसे चलाऊँगी। जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। 1 चम्मच गरम मसाला है मैं डाली हूँ। और इसे डाल करके तुरंत ही मुझे अब ग्रेवी डालना है। मसाले को ज़्यादा जलाना नहीं है, गैस को कम करके ग्रेवी डालना, नहीं मुंह पे छींटा आ जाएगा। अब इसे अच्छे से चला करके मैं 5 मिनट तक इसे उबलने के लिए रखूँगी। तो अच्छे से चला लेना है पहले, ताकि सारा मसाला हमारा मिक्स हो जाना चाहिए ग्रेवी में। चला ली हूँ मैं अच्छे से। अब मैं इसे 5 मिनट तक ढक दूँगी और उबाल आने तक पकने दूँगी। 5 मिनट बीत गया है, अच्छे से हमारे मसाला पक गया है। ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी आपको खुद दिख रहा है कितना उभर के आया है। तो इसे चला लूँगी। अब इसी के साथ मैं डालूँगी क्रीम मलाई, जो मैंने घर की मलाई को मैंने फिट करके इसे बनाया है। तो इसे मैं डाल दूँगी। 4 से 5 चम्मच मैंने मलाई लिया था, उसे फेंट लिया था। इसे भी डाल के, मलाई डालने के बाद तुरंत चलाना चाहिए तेज़ी से और गैस को कम कर देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी मलाई फट भी जाती है। तो इसे चलाते ही रहना है जब तक ये उबालना मिक्स ना हो जाए अच्छे से। अब मिक्स हो गया अच्छे से और मलाई परफेक्ट फटी नहीं है, अच्छे से हो गया है। अब मैं थोड़ी देर इसे उबाल लाने दूंगी और इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैंने स्टफिंग में भी डाला है, कोफ्ते में भी डाला है, सब में नमक डाला है। तो नमक थोड़ा ही थोड़ा मैंने डाला है सब में अंदाज से। और जिससे उबाल आ गया है, अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते और गैस को करूंगी। कोफ्ते डालने के बाद गैस को करूंगी बंद और बंद गैस पे इसे 5 मिनट मैं ढक दूंगी मिक्स करने के बाद। और फिर मैं इसे सर्व करूंगी। इसे 5 मिनट तक मुझे ढक देना है। कोफ्ते थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। और किसी को क्रिस्पी खाना है तो खाते समय इसे सर्व कीजिए। डाल दिया है, अब मैं कोफ्ते को सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितने सुंदर कलर आए हैं, स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी इसे बनाइए। हम इतने महंगे रेस्टोरेंट में हम खाने जाते हैं तो उसे हम घर पे बनाएंगे और
मज़े से खाएंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी ये पसंद आई तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ।